राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, आप सबके चैनल पे। तो आज है 8 तारीख और आज है सोमवार, तो सुबह का टाइम है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करने जा रही हूँ और क्यों करने जा रही हूँ, जो भी काम करने जा रही हूँ। तो आज हमारे ससुर जी का चवरखा है, चतुर्वर्षी श्राद्ध बोलते हैं ना इसको, है ना? चतुर्वार्षिक श्राद्ध बोलते हैं हिंदी में, वैसे चवरखा बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये लो लो, हेलो हेलो, ये भी जा रहे हैं, बहुत काम है, बहुत ज्यादा ना काम वाले आ रहे हैं। मेरे को चाय दी इन्होंने, तो मैंने सुबह सुबह जो मेरा काम था ना, वो मैंने ये किया। ये मेरे बहुत काम आया सच्ची में, कितने टाइम की बचत होती है ना। साफ करना पड़ेगा तो हाँ, पहले मैं बता दूँ, इसको बाद में साफ करूंगी, नहीं तो मैं इसी में लगी रहूंगी। दिखाऊंगी मैं आपको, जो पंडित जी आएंगे 11 बजे, 11 बजे को हमारे को बोला है। तो हम चारों दरानियाँ जिठानियाँ हम काम कर रही हैं, मतलब चारों। तो एक दीदी, दो दीदी नीचे हैं निचले रसोई में, मतलब जो जहाँ सासू माँ रहती है वहाँ पे। तो एक चूल्हे पे मुश्किल होता है ना काम करना, तो सभी थोड़ा थोड़ा अपने अपने चूल्हे पे कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो मैंने क्या किया, पल्ले, और ये लगते हैं हमारे शुभ काम हो चाहे कुछ भी हो, पल्ले हमारे जरूर लगते हैं। लेकिन इन पल्लों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? क्या क्या, अरे नहीं, रस्सी मांग रहे थे बेलचे को ना। तो अभी हम जो है पार गांव वाले आएंगे, तो खाने को तैयार करेंगे शाम के लिए, और हम पंडित के लिए जो वो कर रहे हैं तैयार सामग्री, बुंजा, इनके 52 फुलके लगेंगे। और ये देखो, ये मैंने पीस दिए, ये देखो, ये अमृतिया उड़द दाल होती है जो ना, अमृतिया इसको बोलते हैं। ये हैं, ये धुले होते हैं, शाम को भिगो दिए थे, और अभी मैंने इनको ना ऐसे अपने मिक्सी में पीसा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं इनमें क्या करूंगी कि थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, तो इन भल्लों में ना छेद नहीं पड़ता। मैं अभी आपको ये मैं तेल में तलूंगी, ठीक है? और हलवा बनेगा, फुलके बनेंगे, आलू बनेंगे, ये सारा सामान बनेगा। और जो काम वाले आएंगे ना, सारे गांव वाले, उनके लिए खाना बनेगा। तो आपने सुना होगा ध्यान से मेरी बातें, मतलब जो काम वाले आएंगे ना, खाना बनाने आते हैं ना हमारे जैसे, तो उनके वो दिन का खाना यहीं पे खाएंगे हमारे घर पे, तो उसके लिए खाना भी बन रहा है। तो चलो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी कोटी तो बहुत वो है ना, तो इसको बना लेते हैं। और फिर मैंने सूजी, मैं आपके सबको बताऊंगी कैसे मैं सूजी बनाऊंगी और कैसे ये पल्ले। तो देखिए ये पीसे मैंने, और इनमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ता, मैं हाथ से ये कर रही हूँ, डाल रही हूँ लहसुन प्याज इनमें बिल्कुल नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में धाम में भी नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ताकि ये ना बहुत सफ़ेद होते हैं, ताकि पीले पीले हो जाए, है ना? ठीक है, और इनमें कुछ नहीं पड़ेगा, आज कुछ नहीं पड़ेगा इनमें। और इसको अभी हमने काफ़ी देर तक, जैसे आपको पता है, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, इसको ना काफी देर तक कौना बोलते हैं इसको हमारे, कौना मतलब मैश करना पड़ता है इसको ना, फिर ये फूल जाते हैं, नहीं तो जो पल्ले बनेंगे ना वो ऐसे बनेंगे सख्त सख्त, जैसे अगर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं, एक तो फूल जाएगा मतलब ज्यादा हो जाएगा, और दूसरे जो इससे बनेंगे भल्ले वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ इसको। तो ये देखिए, ये देखो कैसे अब ऐसे हो गए हैं ये फूल के, थोड़ा सा इनमें गर्म मसाला डाला, और ये देखो इस तरह से अब इसके ना बढ़िया बनेंगे। मैं तेल रख लेती हूँ कढ़ाई में। देखिए अभी मैं बनाने लग गई हूँ, और यहाँ पे मैंने ये देखो बना भी दिए हैं, ये देखो। तो मैं बताती हूँ इस तरह से ये बनते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनेंगे। और ये देखिए, ये पानी हाथों में ना, ये हाथ गीले करने पड़ते हैं, और फिर छोटे छोटे बनते हैं, जो खाने को हम बनाते हैं ना वैसे आगे पीछे, वो कुछ और टाइप के बनते हैं, ये थोड़े बस ऐसे। और जो दूसरे बनाते हैं ना,
मेरे माइक की साइड, वो यहाँ पे उसमें छेद डालते हैं, तो इस तरह से। और तेल बिल्कुल गर्म है, ये देखिए, ये इस तरह से थोड़ी सी ना, ये जो हमारा ये है पेस्ट, थोड़ा सा जो है वो पतला हो गया था क्योंकि मैंने इसको मिक्सी में पीसा था। अगर इसमें जो मशीन है ना, आपने देखी होगी पहले वो मशीन मेरे पास, उससे अगर पीसती तो ये देखिए इतने सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। और ये कहाँ लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में। और चिप गया नहीं, ये देखिए इस तरह से ये छूट जाएंगे जब ये देखो छूट गए, लाइट ऑन कर देनी है। तो बना दिए हमने, ये देखो कितने सारे बनाए, ये बना दिए ना। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी सूजी, पंडित जी ने बोला 300 ग्राम सूजी बनाने को, वो लगेगी कहीं जो वो करेंगे कुछ काम तो वहां पे वो लगेगी। और यहाँ पे लास्ट पांच भल्ले और रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पूरा देखा होगा हमारा रीति रिवाज, अभी तो बनाया ही ना मैंने। ये कहाँ लगाएंगे पंडित जी ये मैं आपको बताऊंगी, दिन को 11 बजे आएंगे तो वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगी। तो ये देखो यहाँ पे बस अब हो ही गया, मतलब तो ये देखो ठीक है। अभी मैं आग पीछे जैसे कर देती हूँ तो तेल ना जल जाएगा, ये देखो बस ये बचे थे। देखो यहाँ पे मैंने हलवा, मैं फ़ोन कैसे पकड़ूँ ये मैंने, अच्छा चलो इसको खोल देती हूँ अभी, ये देखो। और अभी मैंने इसमें ना पानी डालना, और इतनी ब्राउन होनी चाहिए सूजी तब जो है बहुत टेस्टी बनता है हलवा। तो ये हलवा भी पंडित जी को ही चाहिए, कहाँ पे उन्होंने लगाना। और इसमें थोड़ा सा घी हो गया है कम, डाला तो बहुत था पर इसने चोस कर लिया। चलो जी सूजी हमारी ब्राउन बिल्कुल हो गई है, और अभी इसमें डालेंगे हम पानी। ये देखो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, अब इसको ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा हलवा, देखो रे पकड़ पकड़ो, देखो रे, ये देखिए। और बताना कि कैसा बना हमारा हलवा, ठीक है। अभी मैं इनको नीचे छोड़ के आती हूँ क्योंकि नीचे आंगन में होगा ना काम, वो काम आपको बाद में दिखेगा दूसरे वीडियो में कि क्या क्या हुआ।